करना बाबू रुक जाओ रुक जाओ, छोड़ छोड़ दो बेटा, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। इंडिया के लोग, इंडिया के लोग बेवकूफ हैं। अगर बनाना ही था तो चाय वाले को नहीं बनाते, पान वाले को बनाते, ताकि कम से कम चूना पूछ करके लगाता। ये इस कदर शक्कर मिला रहा है कि तेजी के साथ लोग शुगर पेशेंट होते जा रहे हैं। वहाँ गुलाम वारी साहब तशरीफ रखते हैं। अब उससे पहले दो बड़े शायर गुजर चुके हैं, मतलब मैक से गुजर चुके हैं, है ना। गुजरने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से गुजर चुके हैं। और दानिश इकबाल साहब, इकबाल दानिश साहब ने कहा कि अच्छा बैट्समैन जो होता है उसको बाद में बुलाया जाता है। इनको ये पता नहीं कि अगर अच्छे बैट्समैन के सामने अच्छा बॉलर आ गया तो उसकी धज्जी भी उड़ सकती है। ये तो कोडरमा में ठीक थे, ये हजारीबाग में रह करके गड़बड़ा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर ससुराल का पानी रास आ ही जाए, है ना। बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, बहुत अच्छी, कम वक्त में, कम वक्त में अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम देते हैं। ये किसको देना है? हमको देना है। अच्छा, ये आप अपनी औकात के हिसाब से दे रहे हैं या मेरी औकात के हिसाब से दे रहे हैं, है ना। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा जफर अकील साहब ने, मुस्तफा आ गए और कहा आप लोग खड़े हो जाइए। हर आप लोग जैसा सीधा आदमी, हैरत है भाई मुझको, है ना। जो जैसा कहेगा वैसा कर दीजिएगा आप। आप लोग पास कुछ दिमाग उमाग है कि नहीं? कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोले इसीलिए बोला है कि कभी खड़ा करो कभी बैठा हो। अरे थोड़ा दिमाग से काम लिया कीजिए आप लोग, है ना। बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी शोहरत की शहादत की उंगली को पकड़ कर बहुत लोगों ने जलसे की दुनिया में चलना सीखा। नए लोगों में बहुत अच्छा पढ़ना वाला शायर हजरत कारी शम्स तबरेज साहब, और एक और जो सिर्फ नाते रसूल नहीं पढ़ता है बल्कि दरसगाह में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाना भी सिखाता है, वह हजरत कारी। ऐसा लुकमा दे रहे जैसे लग रहा हमको नाम याद नहीं है, है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, खुदा हाफिज नहीं हूँ, याद रखिएगा। बहरहाल लोगों ने सुना आपके इमाम साहब भी एक अच्छा शायर जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना शेर लिखता भी है, अपना शेर पढ़ता भी है। क्या नाम है उनका, इकबाल दानिश साहब? अच्छा, हाँ, आप जिस मेयार के हैं उसी मेयार के लोगों का नाम भी लीजिएगा, है ना। हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब, अब एक मतला एक शेर, तकरीर मुझको नहीं करनी है आजकल, तकरीर में नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आज भी आपसे बात करनी है, आप कुछ मेरी बात सुने, कुछ अपनी बात सुनाए। इधर कुर्सियाँ खाली पड़ी है, उस तरफ जितने मर्द बैठे हैं वो इधर कुर्सी पर आ जाए, जो मर्द है वो आ जाओ। जो मर्द होगा वही उठ कर आएगा। देखिए उधर वो फैसला कर ही नहीं पा रहा कि है कि नहीं है। अरे बेवकूफ, उधर भी इंतजाम किया गया है। मैंने कहा वही आएगा जो मर्द होगा, है ना। देखिए सब के सब मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। दो चार पीछे हैं, अगर वो लोग भी आ जाएं तो हम भी समझ जाएंगे कि वो लोग भी ठीक है। आ जाइए, आगे की कुर्सी को भरिए। बहुत अच्छे लोग हैं। एक मतला और एक शेर सुनिए। नाते नबी का लिखना, नाते नबी का पढ़ना, ये कोई आसान काम नहीं है। नाते रसूल की पहली शर्त है कल्ब का इश्क से मामूर होना। आज रबीउल अव्वल शरीफ की जब तारीख आती है
तो पूरी दुनिया में एक खुशी का माहौल रहता है। कभी कभी आलमे तहयूर में सोचता हूं कि इस गीती पर रहमतो रिसालत की सरकार ना होती तो दर्दो गुदास का ये नर्क कहां से ऊंचा होता। किसे मालूम होता कि दिल का टूटा हुआ आबगीना भी एक कीमती पत्थर है और भीगी पलकों के चिलमन से झलकने वाली बेताबीये शौक का कौन अंदाजा लगा सकता। खसो खाशाक की ये दुनिया हकीकतों माना की कदरों से कब वाकिफ हो सकती। पस दुरूद भेजिए उस जाने जिंदगी पर जिसके नगमों का तसलसुल सुबह अजल से लेकर शाम अबद तक है और जिसके रुखे जेबाई की चांदनी का उरूज किसी भी मौसम में रूबा जवाल नहीं हुआ और फुर्सत मिले तो जरा 1400 पीछे पलट कर देखिए कि कल मक्के की सरजमीन पर जिस नूरे मुबी की आमद आमद का गलगला था। मिजाजे किबरियाई का हसी मकतूब आया है, मुस्तफा आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। मिजाजे किबरियाई का हसी मकतूब आया है। मेरा मोबाइल कहाँ है? गुलाम आरिफ साहब एक तो दीजिए, ये तो दो ठो रखते हैं पैसा वालों को चमकाने के लिए, ताकि ये नहीं समझो कि मौली साहब खत्म है। ठीक मिजाजे फुर्सत मिले तो जरा 1400 बरस पीछे पलटिए। आज लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब मैं कह रहा हूं कि आगे मत बढ़ो पीछे हटो पीछे हटो। इसलिए लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना बेअदब होते चले जा रहे हैं, बेअदब होते चले जा रहे हैं। आप जरा पीछे हटिए 20 साल। हमारे ये बुजुर्ग है, ये हमारे क्या नाम है आपका? हाजी साहब है। अच्छा माशाल्लाह, हाजी साहब को सलामत रखे अल्लाह ताला। हाजी लोग भी कम नहीं गड़बड़ाया है, हैं? मोहसिन साहब भी है माशाल्लाह, माफ कीजिएगा। कुछ लोगों का हज तो हज के बाद रह जाता है और कुछ लोगों का हज हज करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर हैंग कर जाता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? हाजी साहब हज करके आ गए, आ गए अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं और हर आने वाले को ऐसे करके देखते हैं, सलाम नहीं करेंगे। हज करके आए ना, इनकी कोशिश होगी कि हर आने जाने वाला सलाम करे। क्या ज़हन है भाई, क्या मिजाज है? आपने हज कर लिया तो क्या आपने पूरी कौम पर एहसान कर दिया? मेरे नबी जब मस्जिद नबी से फजर की नमाज के बाद निकलते थे और छोटे छोटे बच्चों पर नजर पड़ती थी तो मुस्तफा बच्चों को सलाम किया करते थे। एक पैगाम था कि जब मैं नबी होकर उम्मती को सलाम कर सकता हूँ तो तुम उम्मती होकर उम्मती को सलाम क्यों नहीं कर सकते? अब आप बताइए, मैं मैक पर आया, मैं मैक पर आया, मैंने आपको सलाम किया तो आप दयानतदारी के साथ बताइए कि मेरे सलाम करने से आपको तकलीफ हुई या खुशी हुई? अरे जोर से बोलो ना भाई। मैक पर आया, मैंने आपको सलाम किया, आपको खुशी? मैं भी उम्मत, आप भी उम्मत। जब उम्मत उम्मत को सलाम करे, जब उम्मत उम्मत को सलाम करे तो उम्मत को इतनी खुशी होती है और जब यही उम्मत
खड़े होकर अपने नबी को सलाम करे, बोलो नबी को कितनी खुशी होती होगी। अब तुम ध्यान बदलो, मिजाज बदलो और आओ पलटिए, जरा 1400 बरस पीछे पलटिए, पीछे आगे नहीं जाना है, पीछे पलटिए। ये हमारे मिनहाज भाई है, हमारे गुलजार साहब हैं, मैं आया हजारी बाग। जफर अकील साहब ने कहा चलिए हजारी बाग घुमाता हूँ। मैंने कहा आप हजारी बाग का तारुफ ऐसा करवा रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये पेरिस है। मैंने कहा चलिए, गए मिनहाज साहब मिल गए, गुलजार साहब मिल गए, कुछ दूर गए, देखा छोटा छोटा बच्चा 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का गा रहा है, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, लाए हैं हम ये कश्ती भंवर से निकाल के। मैंने कहा जफर भाई, ये बचपन सब जो कश्ती में बैठने के लायक नहीं है, ये कश्ती को निकाल के कैसे लाया? यही सब हो रहा है हजारी बाग में। बोला मतलब हम बोले बच्चा जो जो बोल रहा है कि लाए हम ये कश्ती भंवर से निकाल के, बोला और आगे चलिए। मैंने कहा जरा धीरे बोलिए, आपके मेहमान हैं, हजारी बाग में आए तो बिना वजह जमाने की कोशिश मत कीजिए, कहीं मेरा सन का तो समझ में आ जाएगा। मिनहाज भाई ने कंट्रोल किया, गुलजार साहब ने कंट्रोल किया, गए देखा एक जगह बड़े बड़े लड़के हैं, हजारों की भीड़ है और सब गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ऐ आबे रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम सवार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है जफर भाई का, ऊपर देखिए। मैंने देखा का क्या नजर आ रहा है, का आसमान का, इतना ऊपर देखने के लिए कहते आपको, थोड़ा सा नीचे आइए ना रे भाई। हम बोले नीचे क्यों आएंगे, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ में रह रहा हूँ। बोले ठीक से देखिए। बोले हम बोले हाँ एक तो झंडा है ये, आज 15 अगस्त है। मैंने कहा 15 अगस्त को इंडिया में कुछ हुआ था क्या? का आप ही लोग की वजह से भारत में एनआरसी होगा। मैंने कहा क्या हुआ था भाई? का 15 अगस्त है। मैंने कहा हुआ क्या था 15 अगस्त को? बोले आर देखिए जिधर नजर दौड़ा रहे, 2 व्हीलर, मैंने कहा झंडा है, 4 व्हीलर झंडा है, 3 व्हीलर झंडा है, टोटो है झंडा है, ऑटो है झंडा है। मैंने कहा ये है क्या? घर पर झंडा, बस पर झंडा, हाथ में झंडा, ये है क्या? तो मिनहाज साहब ने कहा आसिफ इकबाल आज 15 अगस्त है। मैंने कहा 15 अगस्त को हुआ क्या था? कहा 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, भारत को आजादी मिली थी। मैंने कहा कहले दिया जाए कि खुदा की कसम अगर 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था तो 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया आजाद हुई थी। अगर 15 अगस्त को भारत को आजादी का परवाना मिला था तो 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को आजादी का परवाना मिला था। और याद रखना ऐ लोगों, 15 अगस्त को भारत का झंडा नहीं लहराने वाला भारत का गद्दार होता है तो 12 रबीउल अव्वल को अपने नबी का झंडा नहीं लहराने वाला वो इस्लाम का गद्दार होता है, अपने नबी का गद्दार होता है।
क्या चाहिए? बहुत नारे लग रहे हैं मसलके आला हजरत, जोर से बोलो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और खड़े होकर गधों के तरह परेशर के साथ पेशाब किया जा रहा है। हंसो मत शर्म करो, तुम मारे जा रहे हो। क्यों? कुरान का इशाद, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ ना खा, गम ना कर, हम तुम्हें गालिब कर देंगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त है कि तुम मोमिन हो जाओ, शर्त है तुम मोमिन हो जाओ। आज हम गालिब नहीं है, आज हम मगलूब हैं, मारे जा रहे हैं, त्रिपुरा में मारे जा रहे हैं। और दुआ फेसबुक में कर रहे हैं, दुआ व्हाट्सएप में कर रहे हैं, दुआ गूगल में कर रहे हैं। हर बेवकूफ लोग उस दुआ पर आमीन भी लिख रहा है। अल्लाह कामयाबी दे, नीचे लिखा आमीन। मस्जिद जाने की तौफीक नहीं क्या? फेसबुक पे दुआ करने के लिए तुमको पैदा किया गया है क्या? व्हाट्सएप पे दुआ करने के लिए पैदा किया गया? आखिर हम गालिब क्यों नहीं हो रहे हैं? मगलूब क्यों है? तो पता चला कि हम सच्चे मोमिन नहीं। सच्चे मोमिन नहीं है। जिस दिन सच्चे मोमिन हो जाएंगे उस दिन हम मगलूब नहीं गालिब रहेंगे। अब जा कहां रहे हैं? आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं, सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए, सिर्फ हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा नहीं हुए। करना क्या है आपको? संजीदा होकर के मेरी बात सुनो। और मैं बूढ़ों से नहीं, अपने नौजवानों से मुखातब हूं। जिस कौम के बच्चों के हाथों में कुरान होना चाहिए, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में ताश के पत्ते नजर आ रहे हैं। जिस कौम को खुदा खाना में होना चाहिए, आज उसके जवान शराब खाने में नजर आ रहे हैं। जिस कौम को अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, आज उस कौम के बच्चे एमएलए और एमपी के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। अब जा कहां रहे हैं? किसको मुसलमान कहते हैं? किसको मुसलमान कहते हैं? नारा लगाने वाले को किसको मुसलमान कहते हैं? शादी में डीजे बजाकर हिजड़ों के तरह नाचने वाले को मुसलमान कहते हैं? बात मेरी तलख है, अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा? हम आपके मस्जिद के इमाम तो है नहीं कि जब चाहिएगा भगा दीजिएगा। 6,000 रुपया में सारा टेंशन इमाम को। मुझको बहुत खुशी हुई कि सदर साहब नमाजी हैं। अब हर मोहल्ले में, हर अंजुमन में तहरीक चलाओ कि मस्जिद का सदर वही बनेगा जो नमाजी होगा, वही बनेगा नमाजी होगा। बेनमाजी को सदर बना रहे हो, मस्जिद की जरूरत को वो क्या समझेगा? इमाम की जरूरत को क्या समझेगा? मौसी की जरूरत को क्या समझेगा? बोलो, जो नमाजी होगा वो सदर होगा, जो बेनमाजी होगा वो मस्जिद का सदर नहीं हो सकता। अब तुम ज़हन बदलो, मिजाज बदलो, तुम्हें सोचना होगा। मुस्तफा आ गए जमीन पर, आ गए, बच्चियां मुस्कुराने लगी। बोल दो सुभान अल्लाह,
बोलो मुस्तफा के आने के बाद बच्चियां मुस्कुरा रही है कि नहीं। अब मुस्तफा की आमद से पहले बच्चियां रोती थी कि नहीं? क्यों? जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था, वो भी बाप अपने हाथों से बेटी को गाड़ देता था, दफन करता था। जरा सा एहसास नहीं, जिंदा दरगोर कर दिया, चल दिया। नबी आ गया, बच्चियां मुस्कुरा रही, मगर समाज का हाल क्या है बताओ। एक बेटी की शादी हुई, ससुराल गई, अल्लाह ने मजीद अपना फजल फरमाया, बेटी हुई, पहली बेटी है। ससुराल वालों ने मुस्कुराया, फिर दूसरी बेटी हुई, जैसे लगा कि ससुराल में कोई भूकंप आ गया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो हो रहा है समाज में, शौहर उस बच्ची को अलग सता रहा है कि हमें बेटा चाहिए, बेटी क्यों हुई? सास जो खुद कभी बेटी थी, वो बहू को कह रही है, हम तो सोचे थे कि इस बार बेटा होगा, बेटी हुई। ससुर अलग ताना दे रहा, एक बेटी जो अपने बाप को, अपने माँ को, भाई को, बहन को, खानदान को छोड़कर तुम्हारा घर बसाने आई, उस पे टोंटिंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है। अगर तीसरी बेटी हुई तो मत पूछिए, कभी खाने पे पाबंदी, कभी मायके जाने पर पाबंदी, कभी बाप से बात करने पर पाबंदी, कभी माँ से बात करने पर पाबंदी, कभी भाई आ जाए तो उस पर पाबंदी। ये हो क्या रहा है समाज में, तुम बताओ? क्यों बेटियों से इतनी नफरत? सरकार ने फरमाया कि बेटियां रहमत है, अरे यही बेटी माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, फिर क्यों नफरत? अब और आगे थोड़ा सा बढ़ो, और आगे बढ़ो। फिर बच्ची हमल से हुई, आज एक नया सिस्टम चला हुआ है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा अल्ट्रासाउंड करके बताइए कि पेट में बेटी है या बेटा, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो भाई, हम गलत बोल रहे हैं, हो रहा है। ले गए डॉक्टर साहब के पास, माँ भी है, बेटा भी है, बहू आंसू बहा रही है, रो रही है, हे मौला करम फरमा दे, मौला कब तक मेरी सास मुझको ताना देगी, कब तक मेरा ससुर मुझ पर जुल्म करेगा, कब तक मेरा शौहर मुझसे नफरत करेगा? अल्ट्रासाउंड के लिए बच्ची जा रही है, थर्रा रही है, कांप रही है, मौला करीम करम फरमा दे, मौला करम फरमा दे। मौला ले गया डॉक्टर साहब, देख के बताइए मेरी बीवी के पेट में बेटा है या बेटी। बच्ची अंदर गई, सास बाहर है, बेटा बाहर है, माँ बेटे का पसीना पोछ रही है, बेटा माँ का पसीना पोछ रहा है। माँ कह रही है, बेटा घबराना नहीं बेटा, मेरा दिल कह रहा है इस बार बेटा होगा बेटा, है ना, घबराना नहीं। बेटा भी कह रहा, हाँ माँ हमको भी 15-16 तरह लग रहा है माँ कि इस बार जो है बेटा होगा। माँ बाहर लाइफ, डॉक्टर निकला, बोला डॉक्टर क्या हुआ? कहा मुबारक हो, कहा मुबारक हो, हमको जलसा करवाना है। अब मुबारक का नाम यहाँ पे ले रहे हैं, शायरी करवानी है। कारे वो मुबारक साहब नहीं, वो तो ऊंचे लेवल की चीज है। कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या? का बोले डॉक्टर, नहीं बोली, हाँ हाँ बेटा है, हाँ कितना हुआ? का 500। का 500 डॉक्टर साहब, तो 1000 सोच करके आए, दिया। अब इसका प्यार देखिए अपनी बीवी पर। माँ भी चली,
शौहर भी चला, पेट में बेटा है ना, कुछ दूर जाने के बाद प्यार से मोहब्बत से अपनी बीवी से पूछता है तब काजू खरीद दे। हाय 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 क्या प्यार है, काजू खाएगी गा? नहीं 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 तबीयत नहीं, का किशमिश खाएगी गा? नहीं नहीं एकदम दिल नहीं कर रहा। तब सास देखिए, सास जो तबाह किए रहती थी तो कहती थी ए बेटी हम अम्मा नहीं है बेटी, पेट में बेटा है, तब वो माँ हो गई। और जब बेटी होती तो वो जुल्म करती, ए बेटी हम अम्मा नहीं है। बहू डर से क्या बोलेगी, आप अम्मा तो हैं ना, मगर अम्मा है मतलब मगर क्या है ना, कहा मगर क्या है ना, सांप से कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, डसने के लिए तो आप ही काफी हैं ना। कई सब मत बोल, हम सास है कि नहीं, अम्मा है कि नहीं, कहा अम्मा है, कहा मेरी बात मानेगी, कहा बोलिए ना, कहा नारियल का पानी ला दे। हाय 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 क्या प्यार है, इसको देखिए है ना, ये बेटा है, ये है तस्वीर का पहला रुख मैं दिखा रहा हूँ समाज को, नौजवानों तुमको, और तुमसे पूछना चाहता हूँ बताओ ये पहला रुख है। और दूसरा रुख देखो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीवी के पेट में पलने वाला बेटा नहीं है बेटी है, तो ये जालिम समाज, ये नारा लगाने वाले एक मुहर्रम से दस मुहर्रम तक दंगा पीटने वाले, गला फाड़ फाड़ कर या हुसैन कहने वाले, खिचड़ा खाकर खचड़ा गिरी करने वाले, झंडा फहराने वाले, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले, ये जालिम समाज डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब हमें बेटी की जरूरत नहीं है, हमें बेटी नहीं चाहिए, इसे दुनिया में नहीं आना चाहिए, डॉक्टर इसे पेट में मार, इसे जिंदा नहीं आने दो। डॉक्टर हमल को जाय कर देता है, पेट में मार देता है। अब थोड़ा कुरान की आयत की तिलावत करो, अल्लाह फरमाता है वाइज़ल मौत सुएलत बिअय्यि ज़म्बिन क़त्लत, क्या कसूर था इस पेट में पलने वाली बच्ची का, क्या गलती थी जो तुमने इसे पेट में मार दिया, बोल क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को। और आसिफ इकबाल को आगे बढ़ के कहने दो, अगर बेटियों से अपनी नफरत बंद कर दो, मुहर्रम का जलसा कराना, बेटियों से अपनी नफरत बंद कर दो, मुहर्रम में झंडा लगाना बंद कर दो, मुहर्रम में निशान लगाना, इसलिए के रब्बे काबा की कसम मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं बढ़ा है बल्कि बेटियों से आगे बढ़ा है। तो फिर बोल बेटियों से इतनी नफरत क्यों, बेटियों से क्यों इतनी नफरत, क्यों नफरत बच्चियों से कर रहा है, किसने मजबूर किया ये जालिम समाज ने, ये नारा लगाने वाले लड़के, खुदा की कसम लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा, जमीन फट जाए धस जाए। आप जो आज हर जगह मारे जा रहे हैं ये आपकी बदामालियत की वजह का है, कब तक गरीब बाप की बच्चियां सिसकियां भरेंगी, कब तक गरीब बेटियों की गरीब बेटियां रोएगी आंसू बहाएगी। जरा देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुस्तफा की आमद से पहले बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, मुस्तफा आ गए अब जिंदा दरगोर नहीं की जा रही है,
बल्कि लोगों ने गरीब बच्चियों को रात की तन्हाई में रोने पर मजबूर कर दिया, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। आओ एक वाक्य सुनाता हूं, अक्सर मैं उसको बोलता हूं, अक्सर आपने सुना होगा, सुना है तो ताजा कर लीजिए, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। क्या जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। आज हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां मुरादाबाद जा रही है, बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है, कैसे बोलो ना भाई, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मेरी इसलाह करो, जा रही है, रामपुर जा रही है, मेरठ जा रही है, बरेली जा रही है। गरीब बेटी का बाप अपनी बच्ची को भेज दे रहा है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, बच्ची भी रो रही है, क्यों जा रही है ये तुम बताओ मुझको। मेरी बेटियां ये हमारी पहले क्यों जा रही है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मेरठ क्यों? क्या पूरे इलाके के जितने बच्चे हैं सब हिजड़े हो गए? क्या सारे नौजवान नामर्द हो गए? अगर नामर्द हिजड़े नहीं है तो बोल, हमारी बेटियों को इतना दूर क्यों भेजा जा रहा है, क्यों रक्षित किया जा रहा है? वजह है कि उधर से आता है कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं, जैसा कपड़ा दिए वैसे ही रुखसत कर दिया। एक वाक्य सुनो, शहर का नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैं उतरा, एक रिक्शे वाले पर नजर पड़ी, बैठ गया। मैंने कहा फला जगह चलेंगे आप, गौर से सुनना। कहाँ चलूंगा, कितना किराया? उसने कहा इतना किराया। मैं बैठ गया, चढ़ाव आया, मैं रिक्शा से नीचे उतर गया, फिर जमीन लेवल पे आई, मैं बैठ गया, फिर चढ़ाव पे उतर जाता था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा एक बात बताइए आप, इस उम्र में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा ठेल रहे हैं, चला रहे हैं, क्या आपके बेटे नहीं हैं? कहा मां साहब, मेरे जख्म पर नमक मत रखिए, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं। मैंने कहा फिर मेहनत इतनी? कहा जख्म पर नमक मत रखिए, मैं सताया हुआ हूं। मैंने कहा बात क्या है? कहा रहने दीजिए। रोने लगा वो शख्स, आंख से आंसू निकलने लगे, मेरी भी आंख डबडबा गई, मैं भी इंसान हूं, पत्थर की मूरत नहीं हूं। मैं रोका, चाय पिलाया, नाश्ता करवाया। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता है, रसूलुल्लाह का वास्ता है, आपको बताना होगा, मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं कौम से पूछूंगा। मुसलमान नारा लगाने वाले नौजवान, जब उसने अपना वाकया सुनाया, मेरा जहन बिल्कुल माउफ हो गया, आंखें बहने लगी, हिम्मत नहीं हुई कि आगे का सफर किया जाए। मेरे पास जो था, जो कुछ बन सकता था, मैंने उस रिक्शे वाले को दिया। उसकी कहानी सुनो, कहा मां साहब मेरी चार बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं, दिन रात में मजदूरी करता हूँ, रात में जाता हूँ सामान खरीद कर ले जाता हूँ, घर में चूल्हा जलते हैं, मुझको भी बच्चियाँ खिलाती है, खुद भी खाती है, बिस्तर पर जाता हूँ माँ साहब, दिन भर का थका मादा हूँ, नींद नहीं आती, सोचता हूँ, रोता हूँ कि अल्लाह ने चार चार बच्चियाँ दी है, मैं अपनी इन बच्चियों के हाथ को, मैं इन बच्चियों को कैसे सुहागन बनाऊंगा, मेरे बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे, कब सुहागन बनेगी? रात कट जाती, थकावट के बावजूद भी नींद नहीं आती। कहा एक रात जब मैं आया तो मोहल्ले के कुछ लोग आए, कहा कि आपकी एक बच्ची की शादी का इंतजाम हो चुका। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा एक लड़का आया है, मेरठ या मुरादाबाद कहा था जगह, वो शहर मुझको याद नहीं आ रहा, बाहर मान लीजिए मुरादाबाद से,
आया है, बस कुछ नहीं, वो आया है, शादी होगी, आपकी बेटी को ले जाएगा। कहा कि सुबह हुई, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दूल्हे का कपड़ा लाया, बेटी का कपड़ा लाया, इमाम साहब आए, निकाह हुआ, बच्ची को मैं ले जाकर ट्रेन पे बैठाया। मेरी बच्ची जा रही थी, दूसरी बच्चियां गले लग कर रो रही थी, मैंने कलेजे से लगाया कि बेटियां आंसू मत बहा, तेरे इस बूढ़े बाप के बासुओं में अभी बहुत दम है, बहुत ताकत है, तुझे भी सुहागन बनाऊंगा, तुझे भी दुल्हन बनाऊंगा, तेरा घर भी बसेगा, मत रो, मत आंसू बहा। कब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आने से पहले बेटी मेरे कलेजे से लग के रोने लगी कि अब्बा जान, ए अब्बा जान, कौन सी गलती की सजा दे रहे हैं, इतने लंबे सफर पर भेज रहे हैं, अब्बा अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं किसके पास आऊंगी, ए अब्बा अगर कोई दर्द होगा तो अपने दर्द को किस तक पहुंचाऊंगी अब्बा। मैंने कहा अल्लाह तेरा हाफिज है, अल्लाह तेरा मददगार है। गाड़ी आई, बच्ची बैठी, काम आसान, जब ट्रेन चल रही थी तो पटरी नहीं हिल रहा था, लग रहा था कि बाप के कलेजे पर ट्रेन चल रही है, बाप का दिल हिल रहा था, बच्ची रो रही थी, मैं भी आंसू बहा रहा था, जब तक ट्रेन नजर आ रही थी बच्ची ने हाथ हिला हिला कर मुझको देखा, मैंने भी नम आंखों से अपने बच्चे को रुखसत किया, आई गई, बात खत्म हो गई। का दो या तीन महीने गुजरे होंगे, संचिता होकर सो, बहुत नारे लग चुके, बहुत डरामे हो चुके, बहुत या हुसैन कर चुके, सुनो अगर तुम्हारे पास दिल है, दर्द है तो सुनो गौर से। का लगभग तीन महीने गुजरे होंगे, रात में अपने घर पर आया, मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला, बच्ची आकर मेरे कदम पे गिर गई कि अब्बा जान, ए अब्बा जान, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो अब्बा, एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, कहा अब्बा ये कुल्हाड़ी लो, मेरे बाप हो, मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं अब्बा, मुस्तफा की आमद से पहले जिस तरह मक्के के लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अब्बा ये कुल्हाड़ी है, जमीन खोदो, मुझे जिंदा दरगोर कर दो। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, मैं फरियाद नहीं करूंगी, मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, ए अब्बा मुझको दुनिया में रहने का हक नहीं है अब्बा, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो अब्बा, मैं तुम्हारे इस बुढ़ापे में, इस बूढ़े बाजू पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं झुका और अपनी बेटी को उठाना चाहा, मैंने झुकते झुकते कहा, ए मेरी बेटी क्यों अपना दिल तोड़ रही है, एक बेटी दुल्हन बनी है, तू भी दुल्हन बनेगी। झुका, झुककर जब अपनी बेटी को उठाया, मेरी बेटी पर नजर पड़ी, मैंने कहा परवरदिगार, परवरदिगार अपने इस बंदे को सब्र अता फरमा, ए मौला इस बाप को सब्र अता फरमा। कहा क्या देखता हूँ कि जिसे झुककर मैंने उठाया वो कोई और नहीं है, वो वही बेटी है जिसे मैंने सुहागन बनाकर भेजा था, जिसे मैंने दुल्हन बनाकर भेजा था, जिसे मैंने दुआएं दी थी। लग गई लिपट के रोने लगी, कहा बचान मुझको काट दो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े अलग कर दो। मैंने कलेजे से लगाया, बेटी बात क्या है, बेटी मामला क्या है। बेटी ने रोते हुए कहा था, अब्बा जान आपके साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। कहा क्या मतलब, कहा जिसके साथ आपने मेरा निकाह किया वो इधर वाला नहीं है, वो इधर वाला है, वो कलमा पढ़ाने वाला नहीं है, घंटी बजाने वाला है। मैं गया तो गैरुल्लाह के सामने मुझको झुकने पर मजबूर किया गया, मारा गया, सताया गया। अब्बा जान किसी तरह मैं भाग करके यहाँ वापिस आई। अब बोल मुसलमान, इसमें गलती किसकी।
किसकी है, इसमें कसूर किसका है। अगर हमारा नौजवान डिमांड ना किया होता तो हमारी बच्ची मुरादाबाद जाने पर मजबूर नहीं होती। अगर मुतालबा नहीं किया होता बोल जलसा कराने वालों, बोल जलसे ईद मिलादुल नबी मनाने वालों, अगर ये बच्चियां कयामत के दिन अपने रब की अपने रसूल की बारगाह में पहुंच कर अर्ज करेगी, ए मेरे आका वह मारसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, दुल्हन ना बन सके, मेरे मुस्तफा ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये ग्यारहवीं करने वाले लोग हैं, ये छठी करने वाले लोग हैं, ये या हुसैन कहने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफा इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन भेजकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके, मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी इन लोगों का मुतालबा कर सके। बोल मुसलमान, बोल दिल पे हाथ रख के बता, अगर इन बच्चियों ने कह दिया तो क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा, क्या जवाब दोगे, कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर पुलसरात के करीब जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर मिसान के करीब जाओगे, क्या जवाब दोगे अपने आका को, क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को, बोल तुम्हारे पास इसका क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ऐ लोगों हाथ जोड़कर मैं कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, बंद कर दो जहेज का मुतालबा करना, बंद कर दो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया है देखो आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही, गैरों के साथ भाग रही है, बोल जिम्मेदार कौन है, ये नौजवान लड़के या नौजवान का बाप। इसलिए अल्लामा महबूब साहब, अल्लामा गुलाम बारी सजमती साहब, जफर अकील साहब, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज मैं इजाजत देता हूं कि ऐ लोगों तुम मांगो, मैं इजाजत देता हूं, मैं तुम मांगो, तुम मुतालबा करो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अरे अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने राजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। बोलो मैं बात गलत कह रहा हूं या सही, अरे जोर से बोलो गलत या सही, अगर बात सही है तो अब मेरी तकरीर का मकसद बस यही तहरीक है, हर जलसे में बेसी नहीं, जश्न ईद मिलादुल नबी का जलसा है, इतने बड़े मजमे में अगर जो मैंने कहा इसका दर्द तुम्हारे सीने में है तो सिर्फ दो लड़का, दो लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है वो खड़े होकर के कहे मेरी शादी नहीं हुई है, उलमा की मौजूदगी में सरकार की इस मजलिस में वादा करता हूं कि मैं लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करूंगा। है कोई दो कुमारा, अरे एक खड़ा हो गया माशाल्लाह, अरे चार हो गए, पांच छह हो गए, अरे छह हो गए, अरे बहुत आठ नौ दस खड़े हो गए, आपको खड़े होकर नारा लगाने में क्या लग रहा है, लीजिए लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, अल्लामा आसिफ इकबाल, नारे तकबीर। खड़े रहो बेटा, बैठना नहीं, ये जियाने हैं हंसो मत, छोड़ दीजिए, इधर भीख मंगा सब बैठा है तो हम क्या करें, इन लोग पैदा हुआ है ससुर के भरोसे, हंसो मत इन नौजवानों पर, बल्कि इन नौजवानों की पेशानी का बोझ,
बोसालो किन बच्चों ने ये तय किया है कि हमको लड़की के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं है, खुदा की रहमत पे भरोसा। ये तो लड़के हैं, खड़ा रहो, दुनिया देखेगी, रश्क करेगी। ये मोहल्ला कौन सा है इमाम साहब? है हरीना? इमाम साहब कहाँ है? माशाल्लाह कितनी तनख्वाह है? सिर्फ 6,000? सामान तैयार है आपका? चलिए मेरे साथ, 6,500 देंगे हम, खाली आपको रहना है। थका धक पैसा, थका धक। अरे इमाम साहब 6 महीने में अपने बाल बच्चे की परवरिश करेंगे? काश कि हर महीना एक इनाम का पैसा अपने इमाम को दिए होते तो इमाम के दिल से दुआ निकलती, उसके बच्चों के दिल से भी दुआ निकलती।